Hi guys, welcome to my vlog. Look who I am with. Hi. This is Shreya, this is my friend. You must have seen her in a lot of YouTube videos. So we're here chilling and enjoying coffee. So we're done with coffee. Abhi hum ja rahe hain mere ghar. First time. क्योंकि हमारी चिट चैट खत्म नहीं हो रही थी कैफे में, तो इट्स बेटर टू गो होम एंड चिट चैट. शेयर, डू यू लाइक ऑटो राइड्स इन बॉम्बे? आई लव ऑटो राइड्स. सेम, ऑटो इज माय बेबी. सेम, माइन टू. सो आई लव ऑटो राइड्स एंड आई लव हैविंग श्रेया ओवर ऑल द टाइम. दिस इज द फर्स्ट टाइम, बट लास्ट आई लव मीटिंग हर. और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दोस्ती आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ. यस, श्रेया इज ऑलरेडी प्रमोटिंग माय ब्लॉग विदाउट मी टेलिंग हर. शी इज सच अ गुड फ्रेंड. श्रेया, अब तो मेरे हर ब्लॉग में होगी. डन डन डन. कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पढ़ूंगी सारे. सर ऊपर जाना था सर. बाय. माउंट मेरी ऊपर है एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू शूटिंग विद यू अगेन. यस. सुन, जो भी ये व्लॉग्स देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ कि दो लड़कियां जो दो एक्टर्स हैं वो दोस्त हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे. बताओ जानना है. लेफ्ट फॉर हर हाउस एंड इट वाज सो नाइस टू हैव हर ओवर. मतलब मैं आपको थोड़ा बैक स्टोरी बताती हूँ कि श्रेया से मैं 3 से 4 महीने पहले मिली थी, जब मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी. उससे पहले हम दोनों ने एक शूट किया था आदि सीजे का. एंड इनिशियली वी डिडंट टॉक. मतलब शुरू के एक आधे घंटे हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई, बट उसके बाद जब हमारी बात होना शुरू हुई तो दैट होल शूट वेंट सो स्मूथ. वो ऐसे लगा ही नहीं कि हम साथ में काम कर रहे हैं. नो, इट वॉज जस्ट लाइक वी आर हैविंग फन विद चिलिंग एंड ऑल्सो शूटिंग एंड मेकिंग मनी. तो होते हैं ना कुछ लोग जिनसे आप मिलते हो और आप इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हो. आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, देयर आर सो मेनी सिमिलैरिटीज, वी आर सो सिमिलर एज ह्यूमन बींग्स. कि एंड शी इज सो इंस्पायरिंग. आई कॉन्ट टेल यू हाउ इंस्पायरिंग शी इज. आई जस्ट फील सो नाइस वेन एवर आई स्पीक टू हर. और ज़्यादा हम अभी मिले नहीं हैं. मतलब हम एक शूट पे मिले थे और उसके बाद हम कभी नहीं मिले. उसके बाद हम सीधा मेरे रिसेप्शन पे मिले हैं जहाँ वो आई थी. उसके बाद भी हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई, बट टुडे उसका मुझे मैसेज आया कि हाई, आई एम जस्ट कमिंग टू बैंड्रा, इफ यू फ्री लेट्स मीट. एंड आई वाज लाइक या व्हाई नॉट. एंड वी वेंट टू दिस कैफे. इट वॉज अ न्यू कैफे. मैं बहुत टाइम से उस कैफे को देखती थी, उसके बाहर से गुजरती थी. एंड आई वाज लाइक यार, यहाँ तो मुझे जाना है. इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड. लाइब्रेरी कैफे नाम का एक छोटा सा क्यूट कैफे है काटो रोड पे. हम वहाँ गए एंड आई हैड गुड नाइस कॉफ़ी एंड ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद हर. इट्स सो नाइस टू सी पीपल हु आर इंस्पायरिंग, एम्बिशियस, डूइंग वेल इन देयर लाइव्स एंड वांटिंग टू डू मोर, सो ड्रिवन. वो एक क्वालिटी है जो मुझे कपिल में भी दिखती है. दैट्स व्हाई प्रॉब्ली आई चोज हिम एज माई, आई मीन देयर आर सो मेनी अदर रीजंस, बट ये एक और क्वालिटी है जिसकी वजह से कपिल मुझे इतने पसंद है. बिकॉज ही इज़ वेरी ड्रिवन इन लाइफ. उनको अपने काम से बहुत प्यार है, अपने काम से बहुत लगाव है एंड ही वॉन्ट्स टू डू सो मच मोर. मतलब समबडी हु इज़ यू नो वेरी पॉजिटिव इन लाइफ एंड चाहते हैं कि और ज़्यादा काम करो और ज़्यादा अचीव करो लाइफ में. आई लव दोज काइंड ऑफ पीपल बिकॉज उनसे क्या है कि आप मोटिवेटेड रहते हो हमेशा एंड यू कीप ड्रीमिंग एंड वॉन्ट टू डू मोर इन लाइफ. तो श्रेया इज ऑल्सो वन ऑफ देम एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव मेट हर. मतलब कुछ लोग होते हैं जिनसे आपको मिलकर ऐसा लगता है कि यार टाइम का पता ही नहीं चला, कब निकल गया. इतनी जल्दी जल्दी टाइम कट रहा था ना, आई वाज लाइक अरे यार अभी क्यों जा रही है. बट इट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू फील लाइक दैट फॉर समबडी, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर मोर. एंड ऐसे ही लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप्स फिर लंबी चलती हैं एंड आई थिंक देन यू ऑलवेज मेक टाइम फॉर समबडी लाइक दैट. फिर अब ऐसा नहीं होता कि अरे यार फोन आ गया, अरे शिट क्या बहाना मारूं, वैसा नहीं होता. देन वेन एवर समबडी कॉल्स, समबडी लाइक दैट कॉल्स, यू ऑलवेज वॉन्ट टू पिक अप एंड यू ऑलवेज वॉन्ट टू मेक टाइम फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल. सो शी इज प्रॉब्ली वन ऑफ देम नाउ आई वुड से. एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव मेट हर. आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने बिकॉज ज़्यादा कुछ करने का था नहीं, बिकॉज आई वॉज सो बिजी एंड एंग्रॉस्ड इन टॉकिंग टू हर. I am so happy and I'm glad that I can, you know, you saw her in my vlog and hopefully आगे वो मेरे vlogs में आती रहेगी. I hope I meet her more often and yeah, that's about it. अभी मैं wait कर रही हूँ कपिल आने वाले हैं नीचे.
वो एक मीटिंग के लिए गए हुए थे, अभी मैं जाऊंगी उनके साथ और कुछ फ्रूट्स लेकर आऊंगी घर के लिए, बिकॉज नाउ वी हैव स्टार्टेड ईटिंग हेल्दी, तो थोड़ा सा मेंटेन करना है एंड आई वांट टू लुक गुड फॉर दिस प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग दैट आई टोल्ड यू अबाउट दैट आई विल टेल यू अबाउट लेटर, पूरी डिटेल्स बाद में शेयर करूंगी. तो उसके लिए फ्रूट्स लेने जाऊंगी, फिर वापस आएंगे, खाना खाएंगे एंड या वी आर डन विद द डे. इनका डिनर तो हो चुका है, मैंने खाना पहले नहीं खाया था बिकॉज आई वाज नॉट वेरी हंग्री, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी थी. लेकिन अब मैं अपना डिनर कर रही हूँ तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ. वैरायटी ऑफ फूड मेरा आज का डिनर है, शुरू से शुरू करते हैं. ये है अरबी की सब्जी जो मेरी फेवरेट है, ये है थोड़ी सी दिन की बची हुई कद्दू की सब्जी जो कि मेरी फेवरेट है, ये है मसूर की दाल, ये थोड़ा सा ब्राउन राइस और ये चावल. तो मैंने कोशिश तो करी थी, ये बहुत बुरा अटेम्प्ट था इन टू मेकिंग इट लुक लाइक अ थाली, विच इज़ लाइक ऐसा होता है ना कि अलग अलग चलो 36 तरीके के पकवान होते हैं उसमें, लेकिन ये जो इतना मिक्स हो गया, चावल इधर कद्दू में मिक्स हो रहा है, अरबी इधर इसमें मिक्स हो रही है, इसमें भी एक चावल गिरा पड़ा है, ये देखो. बट कोई बात नहीं, खाना तो खाना ही है, पेट में ही जाना है, चलेगा, है ना. तो अभी मैं इंजॉय करती हूँ अपना खाना और फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं. सोने से पहले मैं सोच रही हूँ कि अपने फेस के लिए कुछ किया जाए, मतलब थोड़ा बहुत स्किन केयर किया जाए, तो मैं आज मैं एक फेस पैक बनाने वाली हूँ जो कि मैं शादी से पहले भी अपने व्लॉग्स में दिखाती थी आपको. बेसन, हल्दी और थोड़ा सा नींबू, बिकॉज दही अभी मैंने जमाने छोड़ी है लेकिन जमी नहीं है, तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर मैं एक फेस पैक बनाऊँगी जो कि मैं अपने फेस पर लगाऊँगी और फिर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी. तो थोड़ा सा बेसन, थोड़ी हल्दी और ये नींबू. नींबू को बोला जाता है अपने फेस पे डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए बिकॉज वो बहुत हार्श होता है, तो ऐसे फेस पैक में मिला के तो हम लगा सकते हैं. अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी. मेरा फेस पैक तैयार हो गया है, अब मैं इसको डायरेक्टली अपने फेस पे लगाऊंगी. बहुत लोग फेस पैक को एक ब्रश से लगाते हैं, मेरे पास भी ब्रश है बट मुझे आई लाइक टू यूज़ माई हैंड्स टू पुट द फेस पैक बिकॉज मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से लग जाता है और एज लॉन्ग एज आपके हाथ साफ हैं तो बेटर है. ये मैंने ऑलमोस्ट पूरा अपना फेस कवर कर लिया है इससे. अब मैं, मेरे पास रोज़ वाटर नहीं था वरना मैं थोड़ा रोज़ वाटर भी इसमें ऐड करती, और दही मैंने दिन में जमाने छोड़ी थी तो अभी तक जमी नहीं है, वरना मैं थोड़ा दही भी ऐड करती. आप बोलोगे तो फिर कढ़ी बना लेती ना सीधा, है ना, डायरेक्टली कढ़ी लगा लेती मुँह पर. कोई नहीं, मेरा फेस पैक अब लग चुका है, अब मैं इसको छोड़ दूंगी. थोड़ा कॉर्नर इसमें फिल कर देते हैं, इसको लगाकर मैं छोड़ दूंगी कुछ 15-20 मिनट के लिए और फिर मैं अच्छे से स्क्रब करते हुए इसको धो दूंगी. क्या तो जैसे कि मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में कहा था कि स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, और स्किन केयर के लिए मुझे लगता है कि घरेलू नुस्खे सबसे बेस्ट वर्क करते हैं. मतलब आप 10 तरीके की क्रीम लगा लो, सीरम्स लगा लो, विटामिन्स खा लो, बट दो चीज़ें, व्हाट यू पुट इन योर बॉडी मीनिंग व्हाट यू ईट, क्या आप खा रहे हो और क्या आप अपने स्किन को नरिश करने के लिए लगा रहे हो, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. और हाँ, आप कितना पानी पीते हो बिकॉज इट्स कोरिलेटेड, आप पानी पियोगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करेगी बिकॉज आपकी स्किन में हमेशा हाइड्रेशन दिखेगी, मॉइस्चर दिखेगा, और अदरवाइज आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी. तो ये घरेलू नुस्खे जो हैं काफ़ी अच्छे काम करते हैं बिकॉज ये आपको घर बैठे बैठे मिल जाते हैं. 2-4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं जो हम सबके घर में पड़े होते हैं, और ये है कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बेसिकली ये बहुत ईजी अवेलेबल होते हैं और थोड़ा बहुत टाइम में ही आपकी स्किन जो है अच्छी ग्लो करती है, सॉफ्ट हो जाती है, और कोई हार्मफुल केमिकल आप अपनी बॉडी में नहीं डाल रहे हो.
रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि मैं भी कुछ हार्मफुल केमिकल्स शायद डालती ही हूँ, क्योंकि मैं क्रीम्स और सीरम्स यूज़ करती हूँ, बट मैं डर्मैट रिकमेंडेड यूज़ करती हूँ, जो मेरी डर्मैट बताती है मैं वही यूज़ करती हूँ अपनी स्किन में, एंड आई हैव सीन रिजल्ट्स, इट डज गुड रिजल्ट, इट गिव्स गुड रिजल्ट्स टू माई स्किन. बट एट द सेम टाइम मैं ये भी मेंटेन करती हूँ कि मैं अपनी स्किन को कुछ नेचुरल ग्लो के लिए नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स दूँ. सो दिस इज़ वॉट आई डू. मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड मैंने अच्छे से उसको स्क्रब भी किया निकालते टाइम, एंड आई फील वेरी नाइस एंड सॉफ्ट एंड क्लीन. सोने से पहले स्किन केयर करना मुझे बहुत पसंद है, सो आई डिड दिस. अभी बस मैं इसको मॉइस्चराइज करूँगी और एक गुड नाइट स्लीप लूँगी, सो दैट आई वेक अप फ्रेश इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट माई डे. तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड इफ यू हैव देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और टेल देम टू सब्सक्राइब. वी आर अ फैमिली ऑफ 250 नाउ. स्लोली एंड स्टेडिली वील बी वेर वी वॉन्ट टू बी. So thank you so much for watching and good night.